हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाउ टू एक्टिवेशन अनलॉक टूल EMT UMT आईफोन की। एक्टिवेशन आप कैसे करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं या फिर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आते हैं हमें, भाई हमको UMT की एक्टिवेशन करवानी है या फिर हम खुद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या पैनल बाय करना पड़ता है, वेब कौन सा होती है, वेबसाइट कौन सी। देखो, YouTube पे आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल सकती है। बहुत सारे जैसे गूगल चाचा है या फिर शायद सोनू अंसारी है या फिर तीन चार चैनल ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप एक्टिवेशन के लिए अपना लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से एक्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है क्योंकि आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है। मेरे पास जो कस्टमर है वो अक्सर एक शॉपकीपर है जो कि ऑनलाइन का काम नहीं करते हैं और जिनके पास वो खुद अपना पर्सनल यूज़ करते हैं कि मेरे को अनलॉक टूल चाहिए, तो आपके लिए वो चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आप खुद यूज़ करते हैं, आप UMT यूज़ करते हैं, आप MRT, आप सब कुछ यूज़ करते हैं और आप उसकी एक्टिवेशन करते हैं या करवाते हैं, लेकिन आप किसी और के नहीं करते हैं। ये जो काम होता है ये उन लोगों को होता है जो डीलर होते हैं, जो डेली डेली के 10-12 सेट अनलॉक टूल की एक्टिवेशन कर दी, आईफोन की एक्टिवेशन कर दी, UMT एक्टिवेशन कर दी। मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक ट्रस्ट बना हुआ है यूट्यूब के ज़रिए कि मैं काम जो करता हूँ वो ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, पेमेंट का कोई मसला नहीं है। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं आमिर भाई कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले किसी और से करवाता था लेकिन अभी आज की डेट में मैंने अपना ले लिया है, पैनल ले लिया है, उसमें सब कुछ है। मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा कन्फर्म करें, रेट के लिए अगर आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है जो कि मेरा पर्सनल है, मैं यूज़ करता हूँ। सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। कॉल ना करा करो, व्हाट्सअप करा करो, व्हाट्सअप पर मैसेज पूछो, 1 मिनट में आपका रिप्लाई का जवाब आ जाएगा या फिर हैंड टू हैंड अगर ऑनलाइन रहा तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, हाउ टू एक्टिवेशन अनलॉक टूल, UMT EMT आईफोन के एक्टिवेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं देखो बातों को थोड़ा सा आप सोचिए, UMT का 1 ईयर की एक्टिवेशन होती है, ना कि 6 महीने या 3 महीने की। जैसे अनलॉक टूल का मैंने आगे लिखा है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ठीक है। तो ये होती है 3 महीने की, 6 महीने की। एक्टिवेशन कहते किसे हैं, अगर आप कोई भी टूल कोई भी डोंगल बाय करते हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाता है उसकी वापस से रिन्यूअल होती है और जो न्यू होता है वो एक्टिवेशन होती है। आपको न्यू चाहिए, आपको रिन्यू कराना है तो आपको वही आईडी को रिन्यू के लिए भेजनी पड़ती है, ठीक है। UMT जो होता है वो 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के बाद वापस से रिन्यू। अगर आप न्यू UMT लेंगे तो वो 1 ईयर तक चलेगा, 1 साल के बाद वापस से उसको रिन्यू करना पड़ेगा। अनलॉक टूल में आता है 3 मंथ का, 6 महीने का और 12 महीने का। इसके आपकी आईडी बनाइए, यूज़र नेम और ईमेल सेंड करें, वो आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन का जो टाइमिंग होता है वो तकरीबन 10 मिनट का होता है, किसी किसी में 2-3 मिनट लगते हैं, किसी में 10 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट। पेमेंट फर्स्ट होनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को जानते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ज़रिए आप मेरे को जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, मेरे बारे में आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि मसला ये होता है ऑनलाइन के काम में कि सामने वाले को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी ऐसे बंदे को नहीं अपनी पेमेंट दे सकते जिसको आप नहीं जानते, ठीक है। EMI की जो एक्टिवेशन होती है इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, इसकी एक्टिवेशन लाइफ टाइम के लिए होती है, 1 ईयर की नहीं होती। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं हम EMI टूल जो है, और जो EMI है वो ये है, मैं जब पंखा बंद करता हूँ मेरे यहाँ पे मच्छर आ जाते हैं। ये EMI टूल है, इसको आप बाय कर सकते हैं, या अनलॉक टूल है इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की एक्टिवेशन होगी। मेडिकल की 1 ईयर की होती है, आईफोन के जो भी टूल है SMD, iRemover, iRemover Pro, इनकी एक्टिवेशन आप जस्ट चेल ब्रेक करें, चेक करें सपोर्ट है कि नहीं है टूल, ठीक है। मॉडल सपोर्ट है, मेरे को उसका IMEI सीरियल नंबर सेंड करो, जस्ट 2-4 मिनट लगते हैं, उसके बाद एक्टिवेशन होती है, आप नॉर्मली बाईपास खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये EMI है, ठीक है, ये बहुत अच्छा टूल है, यूज़फुल टूल है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो नॉर्मली इसकी लाइफ टाइम की एक्टिवेशन है, ठीक है। ओप्पो का नेटवर्क अनलॉक है, बोर्नियो है, ऑल टाइप है, मैंने सब कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी एक्टिवेशन या फिर प्रोसेसिंग होती है वो मैं आज से चालू कर दिए, मैंने ये सर्विस। अगर आपको करवानी हो, आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। डीलर का प्राइस अलग रखता हूँ, नॉर्मल जो शॉपकीपर होते हैं उनका अलग रखता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी वजह यह है कि शॉपकीपर 1 सेट करवाएगा और डीलर डेली के 10 सेट करवाएगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।